अक्सर एक सवाल आपके जहन में भी आता होगा कि यहां इंडिया में जो भी स्मार्टफोन्स होते हैं वो सस्ते क्यों नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो सस्ते में हमें मोबाइल फोन्स दे क्यों नहीं पाते हैं, जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, सेलकॉन, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं। और यहाँ पर ये लोग आपको जो भी स्पेसिफिकेशंस के साथ फ़ोन देने की कोशिश करते हैं उसकी प्राइसिंग या तो बहुत ही ज़्यादा होती है या फिर उस प्राइस में आपको वो फीचर्स नहीं मिल पाते हैं जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर आपको देती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद करूंगा कि 50 लाइक आपकी तरफ से मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि चाइनीज फोन सस्ता क्यों होता है। और काफी बार ऐसा भी होता है कि चाइनीज फोन जिस प्राइस पे चाइना में लॉन्च होती है उसी के कंपैरेटिवली अगर दूसरे कंट्रीज में या अपने कंट्री की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमें कुछ अच्छा खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे हैंडसेट्स हैं, हम लोग सीधा यहाँ पे मुद्दे की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहला, जो भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो भी चाइनीज कंपनीज हैं जो चाइना में मोबाइल फोन्स बनाती है वो यहाँ पे जब इंडिया में उसे एक्सपोर्ट करती है, चाइना से यहाँ पे इंडिया भेजा जाता है, तो जो भी उसका कॉस्ट होता है वो सारी चीज़ें जुड़ करके उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर उसका मेजॉरिटी यहाँ करेंसी का खेल है जी। हाँ, जैसे आपको पता है हर कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर करेंसी भी एक फैक्टर होता है। और उससे भी बड़ी चीज़, हर कंट्री का यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम अलग अलग होता है, तो टैक्सेशन सिस्टम की वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस में डिफरेंस आती है। जैसे कि इंडिया में रिसेंटली आपको पता है कि मोबाइल फोन्स के अंदर 18% GST में उसे डाल दिया गया, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो इसकी वजह से हमें मोबाइल फोन सस्ते देखने को मिलते थे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर फ़ोन सस्ते हैं या फिर प्राइसेस बढ़े हैं। हम यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि फ़ोन चाइनीज़ फ़ोन सस्ते क्यों होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मोबाइल फ़ोन्स। अब जो आप यहाँ पर बेसिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, चाहे एप्पल से लेकर के यहाँ पर मीडियाटेक या फिर क्वालकॉम, ऐसे ढेरों सारे ब्रांड्स हैं जिनका मेजॉरिटी ऑफ दी सारे के सारे काम चाइना में होते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे क्वालकॉम के साथ मीटिंग की गई है। जैसे आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी US ट्रिप पे गए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लीक्स निकल करके आ रही है कि क्वालकॉम यहाँ इंडिया में जल्द ही चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री सेटअप करने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक सपोर्ट मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर क्वालकॉम इंडिया में आती है तो प्राइसिंग फैक्टर को बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब चाइना की बात हो रही है तो चाइना में मेजॉरिटी ऑफ दी यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं, एप्पल वगैरह, सब कुछ, सब लोग यहाँ पे चाइना में ही इसे असेंबल करवाते हैं। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पूरा शहर का शहर ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हर एक चीज़ के लिए अगर किसी के पास भी पैसा है और अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है चाइना में तो उनको सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया करा दी जाती है। तो चाइना में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो कि कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, और सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही आसान हो जाता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर आता है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो भी लेबर्स होते हैं वह चीप रेट में आपको मिल जाते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा काम भी कराया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से उनको यहाँ पर आपको फ़ोन सस्ते में दे पाते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ़ दी फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो होता है वो होता है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। जैसे कि आप सैमसंग या फिर एप्पल जैसे ब्रांड को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जब भी नई चीज़ें यहाँ पर अनाउंस की जाती है या फिर एक पब्लिक के लिए लाया जाता है तो वहाँ एक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि नया वाला प्रोडक्ट बहुत ही महंगा होता है। जैसे कि रीजनेबल अगर हम यहाँ पर रीसेंट एग्जांपल लें तो सैमसंग का यहाँ पे जी फ्लिप, जी हाँ, फोल्डेबल फ़ोन है। नो डाउट आने वाले समय में धीरे धीरे वक्त के साथ यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रांड्स में भी देखने को मिल जाएगा, और शायद एक दो साल में आपको शाओमी या रियलमी या फिर ओप्पो भी आपको बजट फ्रेंडली प्राइस में ला करके दे दे। तो क्या इन सारी चीज़ों को कॉपी करने वाला जो सिस्टम होता है वो चाइना में उसकी खुली छूट है? तो यहाँ पर कोई भी ब्रांड, चाइनीज़ ब्रांड, यहाँ पे बिंदास उसे कॉपी कर सकती है और यहाँ अपने फ़ोन्स के अंदर डाल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वहाँ कम्प्लीटली जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ही हित में सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती है और कराई भी जा रही है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी ब्रांड
इतनी आसानी से वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकती है या फिर केस फाइल नहीं कर सकती है। ये मैंने पास्ट में भी आपको बताया हुआ था। अब इंडियन ब्रांड जो यहाँ पर मात खाती है वो सबसे ज़्यादा मात खाती है यहाँ पर सिलिकॉन को लेकर के, या फिर हम बात कर लें रैम रोम स्टोरेज या फिर कंपोनेंट्स को लेकर के। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो भी है या तो वो कोरिया से या फिर चाइना से, मेजॉरिटी ऑफ द 90% प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे चाइना से ही इन्हें मंगाना पड़ता है। इंडिया में ये फैक्ट्री सेटअप करके यहाँ पे मदरबोर्ड्स वगैरह असेंबल कर सकते हैं। बैटरी वगैरह इंडिया में धीरे धीरे भी मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत दूर है। दूसरी चीज़ कि इंडिया में जितने भी लॉज बने हुए हैं, लेबर लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर हम किसी भी लेबर को ज़्यादा यहाँ पर हम काम नहीं करा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उनसे ज़्यादा काम कराते हैं तो गवर्नमेंट को के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स को या फिर कंपनीज़ को उनको पेमेंट भी करना होगा। तो एक मेजॉरिटी ऑफ दी जो फ्लॉज होती है ये हो जाती है। इंडिया में किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना इतना आसान नहीं है जितना चाइना में है, क्योंकि चाइना में कोई भी फ़ोन को किसी को भी यहाँ पर उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने नए प्रोडक्ट्स ये लोग बना लेते हैं, लेकिन इंडिया में ये करना आसान नहीं है। अगर इंडिया में किया जाता है तो यहाँ पे बहुत ही लंबा केस हो सकता है, कंपनी को पेनलाइज हो सकती है, कंपनी यहाँ पे शट डाउन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस है वो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई गई है, जो कि चाइना में बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इस बात को आप मानिए चाहे नहीं मानिए, यहाँ पे जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेशन हमेशा करते ही करते हैं। हार्डवेयर जो आपको बोल करके दिया जाता है वो हार्डवेयर एक्चुअली नहीं होते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारी मैनिपुलेशंस होते हैं। जैसे कि रिसेंटली आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया है कि HDR वाला जो फीचर यहाँ पे मी बोल करके यहाँ आपको टीवी जो बेच रही है उसके अंदर HDR नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड्स उसे मैनिपुलेट करके अलग अलग माध्यम से आप तक परोसती है। अब बाकी रहा कि वो मदरबोर्ड या फिर वो कंपोनेंट उसे सपोर्ट करती या नहीं करती है, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती है। इसकी बदौलत यहाँ पर जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है और वो आपको अच्छे प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं दे पाती है। अब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात कर लें तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पे ढेरों ऑप्शंस हैं। Realme है, आपको यहाँ पे मिल जाता है ओप्पो, वीवो, अभी iQOO, अलग अलग है OnePlus। आप यहाँ देख सकते हैं कि कम्प्लीटली एक UI बना करके उसे अलग अलग थोड़े थोड़े मैनिपुलेशंस करके यहाँ पर हर एक फ़ोन के अंदर फीड किया जाता है। जैसे कलर OS को ही मैनिपुलेट करके कलर OS 11 बनाया गया और उसी के बाद Realme UI 2.0। जी हाँ, और कहीं ना कहीं अगर आप कलर OS इस्तेमाल करते हैं और OnePlus के अंदर जो आपको ऑक्सीजन OS या फिर हाइड्रोजन जो चाइना में चलता है उसको अगर आप गौर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो कलर OS 11 से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, बहुत ही मिलता जुलता सिमिलैरिटीज़ के साथ आपको दिखता है। तो ये क्लियरली प्रूव करता है कि इन्वेस्टमेंट एक जगह करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट अलग अलग जगह पर किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनीज को फायदा भी होता है और अलग अलग ब्रांड्स में इसे फीड करके अच्छा खासा मुनाफा भी बना लेते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी तो फिलहाल भी के समय में अगर बात की जाए तो ब्रांड्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना छोड़ चुकी है। ओप्पो या फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पे MI की, तो ये लोग अभी खुद का यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लगे हैं। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि मार्केट में धीरे धीरे पब्लिक अब जाग रही है, अब खुद का इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बेहद ज़रूरी है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि ओप्पो यहाँ पर कैमरा पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इनफैक्ट बैंगलोर में इनका एक फैक्ट्री सेटअप है जहाँ पे कंप्लीट एक इंडिविजुअल लोगों को बिठाया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैमरास के ऊपर ही यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लोग समय के साथ बदल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग जो यहाँ पर होती है वो अभी भी कॉपी एंड पेस्ट होती है। लेबर कॉस्ट, एक्सपोर्टिंग कॉस्ट, GST या फिर चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट, जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो मिल करके आपको सारी चीज़ों को ला करके आपको जो दिया जाता है तभी जा करके आपको फ़ोन सस्ता में मिलता है। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, इसके ढेरों रीजंस हैं, क्योंकि पहली बात वो सारी चीज़ें जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं होने की वजह से यहाँ पर हमें बाहर से मंगाना होता है, फिर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, लेबर लॉज स्ट्रिक्ट है, ऐसे ढेरों चीज़ें हैं, उसके बाद फ़ोन आप तक और हम तक हाथ में पहुँचता है। तो इंडिया में अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये नामुमकिन है,
लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे स्टेप्स ले रही है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी अब धीरे धीरे उठ करके आएंगे और इन चाइनीज ब्रांड को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ओवरऑल ये छोटी सी जानकारी रही जो मुझे लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नहीं पता था कि इंडिया में मोबाइल फोन्स महंगे क्यों हो जाते हैं, और उससे बड़ी चीज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे सस्ते में फोन क्यों नहीं देते हैं। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर, और अगर चैनल पे नया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।